नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। श्रावस्ती में लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए श्रावस्ती जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। शुरुआती दौर में डीएम दीपक मीणा के निर्देश पर जगह जगह कैंप लगाकर ईवीएम और वीवीपैट के संचालन के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। कैंप में डीएम एसपी एसडीएम समेत तमाम चुनाव अधिकारी लगाए गए। लोकसभा चुनाव के अंतर्गत मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने तथा ईवीएम तथा वीवीपैट मशीन की जानकारी देने के उद्देश्य से जिले के सैकड़ों स्थानों पर कैंप लगाकर मशीनों का निदर्शन किया जा रहा है। इस बार लोकसभा चुनाव में ईवीएम के साथ वीवीपैट का उपयोग होगा। इसकी मतदाताओं को जानकारी देने तथा मतदान के दौरान किसी प्रकार की दिक्कत न होने देने के लिए सरकारी कार्यालयों में मतदान केंद्र बनाकर जागरूक किया जा रहा है, जहाँ आने वाले लोगों को ईवीएम तथा वीवीपैट मशीन के उपयोग के बारे में बताया जा रहा है। देखिए, वीवीपैट विधानसभा चुनाव में यूपी में पिछली बार पायलट बेसिस पे यूज हुए थे और इस बार पूरे भारत में हर जगह पे हर बूथ पे वीवीपैट का इस्तेमाल होगा और वीवीपैट सब जगह मात्रा में दिए गए हैं, पर्याप्त मात्रा में। हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट 130% हमारे पास वीवीपैट है, जिस मतलब उसका तात्पर्य है कि 23% हमारे पास रिजर्व है और मुझे लगता है कि ये पर्याप्त है, इससे ज़्यादा की हमें ज़रूरत भी नहीं है। तो कोई भी वीवीपैट को लेकर भी कोई ऐसी कोई परेशानी नहीं, हर बूथ पर मौजूद रहेगा, हर बूथ पर वीवीपैट मौजूद रहेगा। आईबी इंडिया न्यूज़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आईबी इंडिया न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहें आईबी इंडिया न्यूज़।